Audio Jungle. Hey guys, assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे. मैं भी मज़े में हूँ गाइस. वेलकम टू सोफीज आशियाना. तो आज हम आए हैं देहरादून के पल्टन मार्केट. तो आइए आज मैं आपको अपने साथ पल्टन मार्केट का एक व्यू दिखाती हूँ और पल्टन मार्केट की अपने साथ आपको सैर कराती हूँ. चलिए आइए. तो गाइस बताइए आपको अब तक की हमारी मार्केट कैसी लगी, मार्केट का व्यू सारा कैसा लगा. मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही अच्छी मार्केट है एंड रीजनेबल प्राइस वाली मार्केट है गाइस. आपको वेस्टर्न वेयर, एथनिक हर चीज़ यहाँ मिलेगी, किड्स वेयर सब चीज़ यहाँ पे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिलेगी और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है. तो आप कभी भी देहरादून आओ, पल्टन मार्केट होकर ना जाओ तो ऐसा मत करना. जब भी देहरादून आओ तो पल्टन मार्केट ज़रूर आना, ये मेरी एडवाइस है आपको. और कभी भी आप आकर ना ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होगे, खुश होकर ही जाओगे. तो आइए अब और आप मेरे साथ एक्सप्लोर करिए मार्केट. और अब जो शॉप आने वाली है गाइस, तो मैं आपको
इस शॉप के बारे में बताना चाहूँगी कि इस शॉप पे किड्स वेयर मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतने अच्छे मिलते हैं ना इन अंकल के पास, और सारे ब्रांडेड टोटल ब्रांडेड कपड़े जो हैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये भी कई बार यहाँ से लेकर गई हूँ। तो अगर आपको इनकी शॉप का एड्रेस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको इनकी शॉप का प्रॉपर एड्रेस दूंगी गाइस। आपकी शॉप अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। बच्चों के कपड़े मिलते हैं ना कि आप लिए बिना जा ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत ज्यादा। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, फर्स्ट मैक्स और मतलब पाम ट्री मैं आपको बता नहीं सकती, गिनी एंड जॉनी, हर ब्रांड यहाँ पे मिलता है बच्चों का। आप देख सकते हो ये अंकल की शॉप है, और आप अगर मेरे से बोलोगे तो मैं आपको इनका एड्रेस भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, बस जो कहे उसका साइज निकाल देंगे अंकल। तो गाइज़ अब हम जा रहे थे घर की तरफ, ये मार्केट का लेफ्ट वाला पार्ट है, आते हुए मैंने आपको राइट वाला दिखाया था, अब मैं आपको लेफ्ट वाला पार्ट दिखा रही हूँ। तो अब हम घर की तरफ जा रहे थे, ऑलमोस्ट हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी थी और मैंने क्या क्या शॉपिंग की है ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी, और किस चीज़ के लिए शॉपिंग की है ये भी मैं आपको उसमें बताऊँगी कि मैंने किस चीज़ के लिए शॉपिंग की है। तो देखिए आप आइए हमारे साथ। अब पता है क्या है, मार्केट में घूमते घूमते ना तो हमें भूख लगने लगी थी, तो हमने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बिना कुछ खाए घर चले जाएं, तो हमने सोचा चलिए कुछ खाते हुए चलते हैं। तो अब हम यहाँ आ गए थे दून दरबार, दून दरबार में गए थे हम, यहाँ आए और शोरमा रोल ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनका शोरमा रोल इतना टेस्टी है ना गाइस, चिकन शोरमा रोल कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हम बैठे, हमने चिकन शोरमा रोल ऑर्डर किया और उसे इन्जॉय किया, और इतना अच्छा था कि हमने अब्बू और अम्मी के लिए पैक करा के हम घर भी लेकर गए। बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल वहीं मुल्ला बिल्डिंग पर ही है, आप कभी भी आओ पल्टन मार्केट दून दरबार में शोरमा रोल ज़रूर खाना गाइस। तो हमने भी शोरमा रोल खाया, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अब मैं आपको उसकी एक झलक दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू।